नमस्ते दोस्तों, मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूं कि स्क्रीन डॉक्यू डेवलपर ऑनलाइन स्क्रीन राइटिंग सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से आप किस तरह ऑनलाइन मूवी की स्क्रिप्ट डेवलप कर सकें। मैंने अभी तक आप लोगों को ये समझा दिया है कि स्क्रीन डॉक्यू डेवलपर में आप किस प्रकार से एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, फिर क्रिएट किया हुआ प्रोजेक्ट को किस तरह लोड कर सकते हैं, राइट। फिर मैंने आप लोगों को समझाया ऑथर प्रोफाइल किस तरह आप क्रिएट करोगे। कई बार क्या होता है कि जो राइटर होते हैं वो स्क्रिप्ट तो डेवलप करते हैं, प्रिंट आउट निकालते हैं, लेकिन टाइटल पेज प्रिंट निकालना भूल जाते हैं। इसीलिए जैसे ही आप प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, सबसे पहले ऑथर प्रोफाइल आप क्रिएट करोगे, ठीक है दोस्तों। स्क्रीन डॉक्यू डेवलपर में सीन लिखने से पहले, मैं आप लोगों को गाइड करने से पहले आप लोगों को समझना होगा कि एक सीन के जो मुख्य अंश हैं उनको क्या क्या कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले कोई भी मूवी स्क्रिप्ट जो शुरुआत होता है वो है ट्रांजिशन से। फेड इन एक ट्रांजिशन है, क्योंकि फेड इन से पहले स्क्रीन डार्क रहता है और फेड इन के बाद स्क्रीन के अंदर, स्क्रीन के ऊपर हमें लाइट दिखते हैं, फिर पिक्चर दिखते हैं, ठीक है। फेड इन के बाद सीन की शुरुआत, पहला सीन आता है, ठीक है। पहला सीन की, सीन का जो फर्स्ट पार्ट है जिसे मैं अभी तक सीन हेडिंग समझा रहा था आप लोगों को, लेकिन सीन हेडिंग ऐसा कोई टर्म है नहीं इंडस्ट्री में। जो इंडस्ट्रियल टर्म है वो है स्लग लाइन इसको कहते हैं। ये जो आप देख रहे हो इंट फ्लैट डेस्क, ये जो लिखा हुआ है इसको स्लग लाइन कहते हैं इंडस्ट्री में। स्लग लाइन हमें एक खास जानकारी देता है। ये हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है कि ये जो सीन घट रहा है वो एक इंटीरियर लोकेशन में घट रहा है, राइट। और जो लोकेशन है वो है फ्लैट और समय है डस्क, यानी कि शाम का समय है, ठीक है। तो ये स्लग लाइन पढ़कर एक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के जो कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं उसको अलग अलग तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो चीफ हैं वो ये पढ़ के बजट तय करेंगे, शेड्यूल तय करेंगे, ठीक है। एक्टर जो है वो इस स्लग लाइन को पढ़कर विजुअलाइज करेंगे कि ये बंदा इस लोकेशन में है, ये समय है, ठीक है। कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट के जो चीफ हैं, कॉस्ट्यूम डिजाइनर, वो इस स्लग लाइन से लोकेशन और समय को देखकर, सीन का मूड को देखकर कॉस्ट्यूम का तय करेंगे। तो इस तरह की चीज़ें होता है। तो इसलिए स्लग लाइन क्लियर होना बहुत आवश्यक है। कई बार क्या होता है कि बहुत लंबी स्लग लाइन इस्तेमाल करते हैं, वो एक गलत आदत है, ठीक है। उसके बाद आता है, स्लग लाइन के बाद हम एक्शन मेंशन करते हैं। ये एक्शन क्या है? पर्दे पे हम जो भी मूवमेंट्स देखते हैं उसको एक्शन कहते हैं। जैसे एक किरदार चल के आया, चाय का कप उठाया, हालांकि इतने डिटेलिंग में नहीं लिखा जाता है, लेकिन ये जो विजुअल डिस्क्रिप्शन है इसको एक्शन कहते हैं। एक्शन लिखने का भी एक तरीका होता है, और बहुत सारे जो राइटर हैं, स्क्रीन राइटर हैं, वो बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। और वो गलती ये है कि जब वो स्क्रिप्ट भेजते हैं तो वो क्या गलती करते हैं, एक्शन की जगह वो नैरेटिव फॉर्म में ज़्यादा लिख के भेजते हैं। नैरेटिव फॉर्म में ज़्यादा लिख के भेजते हैं इन द सेंस क्या है कि जब मैं नॉवल पढ़ता हूँ, नॉवल मेरे दिमाग के अंदर चलता है, लेकिन जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ूँ ना, मुझे नज़रों के सामने वो विजुअल्स चाहिए। अगर आप ये फ़र्क समझ गए, आप एक बेहतर स्क्रिप्ट राइटर बन सकते हैं, ठीक है। एक्शन के बाद अगर आपको ज़रूरत पड़ा कि मेरा ये जो स्क्रिप्ट है, मेरा ये जो सीन है, इस सीन के अंदर किरदार बात कर रहे हैं, तो आप कैरेक्टर क्यू और डायलॉग का इस्तेमाल करते हैं। कैरेक्टर क्यू यानी कि कौन किरदार कह रहा है, और डायलॉग वो जो भी कह रहा है, ठीक है। डायलॉग लिखना एक अपने आप में एक अलग अप्रोच है, अलग एक सोच चाहिए, अलग किस्म की एक इंटेलिजेंस भी चाहिए। और पूरे विश्व भर में
भारत हमारा जो देश है, यहाँ की जो फिल्म इंडस्ट्री है, यहाँ पे डायलॉग राइटर अलग से आते हैं, लेकिन बाकी की सारे जो विश्व में जितने देश हैं वहाँ पे जो फिल्म इंडस्ट्री है वहाँ पे डायलॉग राइटर ऐसे अलग से नहीं होते हैं, ठीक है। जो भी लिखते हैं स्क्रिप्ट के लिए उन्हें स्क्रिप्ट राइटर, स्क्रीन राइटर ऐसे ही कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो डायलॉग को हल्के से मत लो, और अगर आप पिच करने जाओ, अपना जो प्रोजेक्ट आपने डेवलप किया हुआ है उसको अगर पिच करना चाहते हो तो आपको ये समझ के रखना होगा कि आप अगर सिर्फ डायलॉग भर दिए हैं स्क्रिप्ट में तो वो भी रिजेक्ट हो जाएगा। और ऐसा क्यों? क्योंकि डायलॉग एक इम्पोर्टेंट पार्ट है फिल्म मेकिंग बिजनेस में, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन डायलॉग सबसे आखिर में आता है। और ये मान के चलते हैं कि डायलॉग जो है वो एक स्पेशलाइज्ड आर्ट फॉर्म है जिसके लिए स्पेशलाइज्ड बंदे चाहिए जो पर्टिकुलरली डायलॉग लिख सकें, और वो डायलॉग जो एक तरीके से स्क्रिप्ट का रिक्वायरमेंट के अनुसार डिलीवरी दे सके, ठीक है। होता क्या है कि जो राइटर होते हैं, स्क्रीन राइटर होते हैं, जो नौसिखिए होते हैं जिन्हें मालूम नहीं क्राफ्ट क्या है, वो क्या करते हैं, फिल्मों से इंस्पायर्ड होके वो स्क्रिप्ट लिखते हैं, और वो स्क्रिप्ट को अगर आप पलटोगे, पन्ने अगर पलटोगे तो आपको सिर्फ डायलॉग दिखेगा, एक्शन बहुत कम दिखेगा। और इस तरह के स्क्रिप्ट ट्रेडिंग में इंटरेस्ट किसी को नहीं। अगर आप कभी किसी स्क्रिप्ट कंसल्टेंट के सामने उनको अगर स्क्रिप्ट दोगे, कभी उनके सामने बैठ के उनकी पढ़ाई सुनना, तब आप जाके समझोगे कि एक्चुअली माजरा है क्या। जब एक स्क्रिप्ट कंसल्टेंट या फिर जो भी स्क्रिप्ट पढ़ते हैं वो स्लगलाइन पढ़ते हैं, एक्शन पढ़ते हैं और डायलॉग को ओवरऑल लुक दे के जाते हैं, डायलॉग डिटेल में नहीं पढ़ते हैं। और जब तक सीन ख़त्म होगा, क्योंकि आपने डायलॉग का भरपूर इस्तेमाल किया है, इसलिए जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मिस हो जाता है। इसलिए बहुत ढेर सारा प्रैक्टिस भी चाहिए और एक प्रॉपर ट्रेनिंग भी चाहिए। आपको जो ट्रेनिंग ठीक लगे वो फॉलो करो, बगैर ट्रेनिंग के ये क्राफ्ट समझ नहीं सकते, ठीक है। तो सीन में इसको जो किरदार का नाम लिखा जाता है उसको कैरेक्टर क्यों कहते हैं, और उसके नीचे जो लिखा जाता है उसको डायलॉग कहते हैं, ठीक है। और जो आखिर चीज वो है, जब सीन ख़त्म होता है और हम लोग दूसरे सीन के लिए जाते हैं तब हम ट्रांजिशन इस्तेमाल करते हैं, कट टू बाय डिफ़ॉल्ट ट्रांजिशन है। अगर कोई ट्रांजिशन मेंशन नहीं किया एक राइटर ने तो बाय डिफ़ॉल्ट वो कट टू ट्रांजिशन है, ऐसा समझना होगा हमें। और स्पेसिफिकली अगर कोई ट्रांजिशन मेंशन किया है तो हमें उसके हिसाब से विजुअलाइजेशन करना होगा, ठीक है। यहाँ पे डिजल्व टू ट्रांजिशन है, ये डिजल्व टू ट्रांजिशन क्या है, ये भी एक प्रकार का ट्रांजिशन है जो इस सीन से इस सीन को हमें डिजल्व होके जाने के लिए राइटर ने परामर्श दी है, ये राइटर ने सुझाव दिया है, राइटर ने सलाह दिया है, ठीक है। तो ये हो गया एक ट्रांजिशन। ट्रांजिशन कई प्रकार के हैं, उसके बारे में आपको डिटेल नॉलेज होना चाहिए। ट्रांजिशन बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है एक अच्छी फिल्म मेकिंग बिजनेस में, ठीक है दोस्तों। फिर दूसरा सीन शुरू होता है, ये हो गया इसका स्लग लाइन, ये हो गए एक्शंस, ठीक है, और ये हो गया कैरेक्टर क्यू, ये हो गया डायलॉग, ठीक है दोस्तों। जब मैं आप लोगों को ये सुझाव दिया कि डायलॉग बहुत कम इस्तेमाल कीजिए, तो सोच समझ के इस्तेमाल कीजिए। सिर्फ डायलॉग अगर भर देंगे तो होता क्या है कि जो रीडर होते हैं, स्क्रीन रीडर होते हैं, स्क्रिप्ट रीडर होते हैं, वो क्या करेंगे, पहले ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, और वो भी तेज़ी से ये पढ़ेंगे, ठीक है, फिर ये पढ़ेंगे, आपका डायलॉग इधर मिस हो रहा है, ठीक है। और बगैर डायलॉग के भी जाएंगे तो तैयारी करने के लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए तैयारी पूरी रखिए, एक ड्राफ्ट प्रॉपर स्क्रिप्ट का डेवलप कीजिए, और साथ में जो डायलॉग आप डेवलप करोगे उसको एक बैलेंस तरीके से डेवलप कीजिए, ठीक है। इसके बारे में मैं एडवांस स्क्रीन राइटिंग ट्रेनिंग में चर्चा किया हुआ है, और किस तरह आप पिच करने के दौरान स्क्रिप्ट का नरेशन दोगे वो भी बताया है।
चलिए मैं अभी आप लोगों को इसमें एक सीन लिखकर मैं बताता हूँ, ठीक है। चलिए सबसे पहले जब आप ये लोड करोगे, मैं सबसे पहले इसको हटा देता हूँ। दोस्तों इसमें डिलीट करने के लिए भी एक अलग फंक्शनैलिटी की ज़रूरत पड़ती है, इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। अभी सीन किस तरह लिखना है वो मैं बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, आप जब प्रोजेक्ट क्रिएट कर दोगे आपके सामने इस तरह का एक ब्लैंक पेज आएगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये पहला वाला फोकस है स्लग लाइन के ऊपर। अगर आप स्लग लाइन के बारे में नहीं जानते हैं, अगर आप फोकस क्या है वो नहीं जानते हैं, तो मैंने पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में बताया इसके बारे में, दो तीन वीडियो ट्यूटोरियल के पहले, वो देख लीजिए। ठीक है, अभी हमारा ये जो फोकस है ये स्लग लाइन पे है, यानी कि हम लोग स्लग लाइन के फॉर्मेट के अनुसार यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मान लीजिए मेरा सीन है इंट रूम नाइट। ठीक है, तो मेरे लिए ये पॉपअप मेनू आ गया, इसमें से मैं सिलेक्ट करूँगा। इसमें से कैसे सिलेक्ट करना है वो आगे बताऊँगा। एंटर दिया, बेडरूम सिलेक्ट किया। ठीक है, लोकेशन ये पहले से मैंने डिफाइन करके रखा था, इसलिए नहीं तो आपके सामने लोकेशन के लिए अभी पॉपअप मेनू आएगा नहीं, जब तक नया पॉपअप मेनू नया लोकेशन फीड नहीं होता है। जब तक आप नया सीन डेवलप नहीं करोगे वो नया लोकेशन पॉपअप मेनू के अंदर आएगा नहीं। फिर टाइम दे देता हूँ डे। ठीक है, यहाँ पे कुछ एक्शन चल रहा है, जैसे रवि 30 साल का इंसान इमर्जेस फ्रॉम बाथरूम या फिर वॉशरूम बाथरूम। ही लुक्स हिमसेल्फ इन द मिरर। ए फोटो नियर बाय अट्रैक्ट्स हिज अटेंशन। ठीक है, फिर इसमें आएगा इंसर्ट, इंसर्ट को कैपिटल में लिखते हैं। फोटोग्राफ ऑफ ए लेडी लाइंग ऑन नियर बाय टेबल और स्टूल, कुछ भी टेबल चलिए। ठीक है, तभी हमें एक आवाज़ सुनाई देती है। नहीं, सीन ही कंटिन्यू रखते हैं। स्माइल टेबल स्माइल प्लेज ऑन हिज फेस। फिर नया सीन, तो नया सीन लिखने के लिए सबसे पहले स्लग लाइन लिखेंगे। ठीक है, स्लग लाइन के लिए हमें फॉरन मेनू आ गया, पॉपअप मेनू, ये हमें सुझाव दे रहा है इतने सारे ऑप्शन का। तो मुझे अभी एक्सटीरियर चयन करना है, एक्सटीरियर इंटीरियर चयन करता हूँ और लिखता हूँ कार हाईवे और कार और डे। ठीक है, रवि इज बिजी ओवर फोन एंड अननोइंगली एंड क्रॉसेस द क्रॉस मार्क डिस्पाइट रेड सिग्नल। ए हवलदार ए हैड हिंट्स हिम टू स्टॉप। ठीक है दोस्तों,
मैंने आप लोगों को दो सीन लिखकर बता दिया। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये है हमारा स्लग लाइन, पहले सीन का पहला स्लग लाइन, और उसके बाद ये एक्शन है। रवि 30 साल का इंसान है। रवि का जो एज बताने के लिए हम लोग कॉमा 30 इस तरह मेंशन करते हैं, ठीक है। फिर वो क्या करता है, क्या एक्शन हो रहा है, वो मैंने यहाँ पे लिखा। और फिर मेरा नेक्स्ट सीन यहाँ पे आया, फिर एक्शंस, ठीक है। दोस्तों अगर आप अभी इसको लिखने जाओगे तो कई दिक्कतें आपको आएगा। जैसे एक्शन से जब आप सीन लिखना चाहोगे तब आप कैसे लिखोगे, उसके लिए शॉर्टकट्स हैं, ठीक है। उसी तरह हम लोग एक्शन लिखने के बाद ये जो बॉक्स है, अभी देखिए इसका फोकस जो है यहाँ पे, अगर आप देखोगे ये एक्शन है, यहाँ पे हमें चाहिए कैरेक्टर क्यू डायलॉग लिखने के लिए, तो ये जो क्रसर है उसको सेंटर पे लाना है, तो उसके लिए भी एक शॉर्टकट की है। शॉर्टकट की के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले आप लोगों को सेव फंक्शनैलिटी के बारे में बता दूं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। कोई सवाल हो तो पूछो, मैं आप लोगों को अगले वीडियो ट्यूटोरियल में मिलता हूँ। थैंक यू।